कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है। क्या कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पेरेंट्स बनने वाले? पर अगर ऐसा है तो ये इस रूमर्स को क्यों छुपा रहे? क्यों ये कपल अपनी ये बात फैंस के सामने जाहिर नहीं कर रहे, जबकि फैंस इस बात का और इस खुशखबरी का बेहद और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, कैटरीना कैफ ने कहां की पिक्चर्स डाली हैं, वो क्यों इतनी वायरल हो रही है, और प्रेगनेंसी की अफवाहों के बीच पिक्चर्स सोशल मीडिया पर क्यों इतनी वायरल हो रही हैं, और विक्की कौशल ने अब उनकी प्रेगनेंसी को लेकर पहले क्या कहा था और अब पिक्चर्स में क्या दिख रहा है। चलिए आपको बताएंगे पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। दरअसल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपने लेटेस्ट ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें एक्ट्रेस को नो मेकअप लुक में देखने को मिला। कैटरीना कैफ इन दोनों अपने काम से वक्त निकालकर एक मेडिकल हेल्थ रिजॉर्ट में सुकून के पल बिता रही, जिसकी फोटोज हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर फैंस एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी के अंदाजे लगा रहे। वहीं कैटरीना कैफ इन दोनों मेडिकल हेल्थ रिजॉर्ट में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वेकेशन की झलक तो दिखा दी, पर उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी के अफवाहों में थोड़ी और तेजी देखने को मिली। दरअसल इन तस्वीरों में कैटरीना कैफ अपने होटल रूम में बालकनी के पास बैठकर सेल्फी लेती हुई नजर आ रही, पीछे वादियों का हसीन नजारा दिखाई दिया। इन तस्वीरों में कैटरीना कैफ अपने होटल रूम की बालकनी के पास बैठकर तस्वीर लेती नजर आई। वही एक फोटो में कैटरीना कैफ व्हाइट टॉप पहने हुए फोटो ले रहे, जिसमें उनकी स्माइल और नो मेकअप लुक ने फैंस का दिल जीत लिया। वहीं पहाड़ और नदियों के बीच बने इस रिजॉर्ट में कैटरीना काफी ज्यादा खुश है, इसलिए उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए मेडिकल हेल्थ रिजॉर्ट को थैंक यू भी कहा। वहीं इससे पहले कैटरीना कैफ को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में स्पॉट किया गया था। बता दें कि कैटरीना ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। जी हाँ, 3 जुलाई से मामेरू फंक्शन से शुरुआत हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू हो गई थी, जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलेब्स को स्पॉट किया गया था। वहीं कैटरीना कैफ केवल शादी के दिन स्पॉट हुई थी। उन्होंने एक रेड कलर की प्लेन गोल्डन पट्टी वाली साड़ी पहनी थी, जिसमें कैटरीना बेहद खूबसूरत लग रही थी। बता दें कि उनका एक फुल स्लीव ब्लाउज और फुली कवर्ड साड़ी प्रेगनेंसी की अफवाहों को तेज कर रहा था। वहीं इस शादी में कैटरीना अपने पति और एक्टर विक्की कौशल के साथ पहुंची थी। दोनों की कई तस्वीरें और वीडियोज खास वायरल भी हुई थी। वहीं वर्क फ्रेंड की बात करें तो कैटरीना कैफ को आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ मेरी क्रिसमस में देखा गया था, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। यानी कैटरीना को ऑन स्क्रीन आए हुए 1 साल हो गए। वहीं बात करें विक्की कौशल के वर्क फ्रेंड की, तो विक्की कौशल हाल ही में बैड न्यूज फिल्म में नजर आए थे। बता दें कि फिलहाल उनकी ये फिल्म थिएटर्स में अभी भी लगी हुई है और ये फिल्म काफी बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं। सबको इसमें विक्की कौशल की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई है और सबने विक्की कौशल की एक्टिंग को यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा रेट किया था। वहीं बात करें विक्की कौशल की, तो जब वो बैड न्यूज के प्रमोशन में दिल्ली आए, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या कैटरीना प्रेग्नेंट है या कोई गुड न्यूज है, तो उस पर विक्की कौशल ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पहली बात तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग हर बर्थडे, यस इट्स अ वेरी स्पेशल डे, और जो वक्त कम मिल रहा है उसी वजह से, बिकॉज आई विल बी रशिंग बैक टू हर बर्थडे नाउ, एंड प्लान यही है कि जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। बहुत टाइम से प्रमोशन चल रही है, शी इज ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग, सो वी जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड गुड न्यूज़ की जो आपने बात की, वो जब आएगी तो वील बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू, बट टिल देन जस्ट देयर इज नो ट्रूथ टू दैट, देयर इज ओनली स्पेकुलेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द मीडिया। तो इस वक्त आप बैड न्यूज एंजॉय कीजिए, जब गुड न्यूज का टाइम आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। अब कैटरीना का 1 साल का ये वर्क ब्रेक और उसके बाद उनका काफी कम मीडिया में स्पॉट होना, अभी सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं वो तो हम सभी समझ रहे हैं, लेकिन इस पर विक्की कौशल ने साफ इनकार कर दिया है। तो देखना ये होगा कि आगे कैटरीना के बारे में क्या कुछ पता चलता है। इसी तरह की तमाम बॉलीवुड खबरों को जानने के लिए और बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।